खींवसर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा से तालमेल करते हुए रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए निराशाजनक है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा रालोपा में तालमेल की घोषणा से एक दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को भाजपा से तालमेल हो गया तो पूर्व मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के बयान के अगले ही दिन जयपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बेनीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खींवसर सीट पर भाजपा रालोपा में तालमेल की घोषणा की थी। खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल के 2019 लोकसभा चुनावों में सांसद चुने जाने के बाद खाली थी। पत्रकारों ने इस मौके पर उनसे एक दिन पहले दिए बयान का खुलासा करने को कहा तो बेनीवाल ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप समझे नहीं कि कल मैंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहकर पिछले 10 साल से उनकी वसुंधरा राजे के साथ कोई बात नहीं हुई है। बयान के जैसे ही पुष्टि कर दी बेनीवाल ने कहा कि मेरे बयान को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राजे और यूनुस खान सहित उनके समर्थकों ने मेरी उम्मीदवारी का विरोध किया था। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से मेरा तालमेल हुआ था, इसमें राजे की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने दावा किया है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि प्रशासन का जो मॉडल मोदी ने लागू किया है उसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भाजपा नेताओं जिनमें राजे के समर्थक भी शामिल है उनकी चुप्पी को बेनीवाल का समर्थन माना जा रहा है। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल का समर्थन भी भाजपा में वसुंधरा राजे का महत्व कम होने के संकेत है। राजे के समर्थक एक भाजपा नेता ने पूरे घटनाक्रम को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल के बयान को लेकर शुरू हुए विवाद में कोई भी उलझना नहीं चाहता। जब तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया नहीं आती तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। वसुंधरा राजे ने अधिकृत तौर पर इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हनुमान बेनीवाल ने 2009 में वसुंधरा राजे के साथ मतभेदों के चलते भाजपा छोड़ दी थी। उन्होंने 2013 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 2018 में विधानसभा चुनाव से 2 माह पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा नाम से अपनी नई पार्टी बना ली थी। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के राजस्थान प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बेनीवाल के साथ तालमेल से पहले राजे के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। स्पेशल डेस्क से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, नफ्टेज टीवी।